आपका प्रश्न, जब परमात्मा ने समय, प्रकृति और आत्माओं को पैदा ही नहीं किया, खत्म बात। परमात्मा ने ना प्रकृति को पैदा किया, ना आत्माओं को पैदा किया और ना समय को पैदा किया, इन तीनों से मिलकर के बना है ये सृष्टि। अब उस सृष्टि के अंदर परमात्मा हमारा पिता कैसे हो सकता है? यही बात बाबा ने मुरली में कही कि मैंने तुम आत्माओं को पैदा नहीं किया, मैं तुम आत्माओं का पिता कैसे? फिर समझाया कि मैं तुम्हारा एडॉप्टेड फादर हूं। एक तो पिता होता है जो जन्म देता है, एक पिता होता है जिसकी संतान नहीं होती, उसको वो गोद लेता है। जैसे गरीब के बच्चे को अमीर बाप गोद लेता है, तुम्हारे जीवन में दुख कष्ट क्लेश करने को दूर करने के लिए तुमने मुझे गोद लिया है। ध्यान से समझना है, बाबा कहते बच्चे तुमने मुझे गोद लिया है, मैंने तुम्हें गोद लिया है। इसलिए तुम मेरे वर्षे के अधिकारी बनते हो। परंतु दुनिया वाली गोद में और हमारी गोद में अंतर है। गोद लेने में वहां फादर बच्चे को गोद लेता है ताकि ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मेरे को सहयोग देगा, मैं इसको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। वहां उसको स्वार्थ होता है, मुझे कोई स्वार्थ नहीं, मैं तो तुम्हारे ही बेटरमेंट के लिए तुम्हें गोद लेता हूं। ताकि मैं अपने सारे गुणों को तुम्हें दे सकूं। क्या यहां एडॉप्शन है? वह हमारा पिता, गोद लिया हुआ पिता है। गोद लेने को भी हम दो प्रकार से देख सकते हैं। एक तो होता है दोनों की जरूरत होती है, गरीब बच्चा है, अमीर बाप है, अमीर बाप गरीब बच्चे को गोद ले लेता है, ठीक है, गरीब बच्चा भी चला जाता है। यदि कोई अमीर बाप का बच्चा हो और गरीब बाप कहे कि मैं बच्चे को गोद लेना चाहता हूं, क्या अमीर बाप का बच्चा गरीब बाप के पास, गरीब व्यक्ति के पास फादर एडॉप्शन लेगा? कहेगा नहीं, मैं गरीब बाप के पास क्यों जाऊं, नहीं जाएगा। फिर एक गोद लेना होता है जहां कोई स्वार्थ नहीं, जिसके लिए हम अन्ना हजारे को ले सकते हैं कि अन्ना हजारे ने गोद लिया एक गांव को कि मेरा पैसा है, मैं मर जाऊंगा बेकार जाएगा पैसा, तो क्यों ना मैं ऐसा कोई काम करूं जिससे किसी का भला हो। तो इसी प्रकार से गोद लेना बिना किसी स्वार्थ के कि मेरे को कुछ चाहिए, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सेवा करना है, मुझे तो सेवा करना है। तो इस उद्देश्य से उन्होंने सेवा करने के उद्देश्य से अपना कार्य किया। इसी प्रकार से कोई बच्चे को गोद लेता है कि मुझे इसको अपना बेटा नहीं बनाना, वो तो मैं इसको पढ़ा करके इसका भविष्य बनाना चाहता हूं, ठीक है कि नहीं, वरना मेरे पैसे तो बर्बाद होने, किसी का भविष्य तो बनेगा। दूसरों का हित करना, हित करने के लिए एडॉप्ट करना, स्वार्थ के लिए नहीं। तो परमात्मा कहते मैं आकर तुम्हें बिना किसी स्वार्थ के एडॉप्ट करता हूं, तुम्हें पावन बनाता हूं, तुम मुझे एडॉप्ट करते हो क्योंकि तुम पावन बनते हो, तुमने अपने को पावन बनाना है इसलिए तुम मुझे अडॉप्ट करते हो। एडॉप्शन एक तरफ से नहीं होती, एडॉप्शन दोनों तरफ से होती है। और एडॉप्शन केवल पिता पुत्र की नहीं होती है, सभी रिश्तों की एडॉप्शन होती है। मां को भी गोद लिया जाता है,
मां भी बच्चे को गोद लेती है, भाई बहन भी गोद लिए जाते हैं, मुंह बोला भाई, मुंह बोली मां, मुंह बोला बाप, मुंह बोली बहन। इसी प्रकार मुंह बोली पति पत्नी भी होते हैं, जितने भी हैं। क्योंकि मुंह बोले भाई को क्या कहा जाता है, धर्म का भाई, धर्म की बहन, धर्म की मां, धर्म का बाप। और पति पत्नी को क्या कहा जाता है, धर्म पत्नी। बोलते नहीं है, जब उसे धर्म पत्नी बोला जाता है, नियम अनुसार पति को भी कहा जाता है धर्म पति। क्योंकि पति पत्नी पैदा नहीं होते हैं, ये अडॉप्ट ही होते हैं। अब एक लड़की किसी लड़के को अडॉप्ट करती है, उसे अपना भाई बनाती है कि तुम मेरे भाई हो, कहता है तुम मेरी बहन हो। वही दूसरे एक लड़के को कहती है कि तुम मेरे दोस्त हो, वही कहती है कि तुम मेरे पति हो, वो कहता है तुम मेरी पत्नी हो। ये पति पत्नी दोस्त है नहीं, भाई बहन एडॉप्शन में आते हैं। ये एडॉप्शन होता है एक दूसरे के पूरक, और ये एडॉप्शन है केवल वन साइडेड। परमात्मा कहते मेरे को तुम्हारे से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं संपन्न हूं, संपूर्ण हूं, तुम्हें चाहिए इसलिए तुम मुझे एडॉप्ट करते हो। और ये एडॉप्शन वंडरफुल है कि आप मुझे सर्व संबंधों से एडॉप्ट कर सकते हो, बाप के रूप में भी, माँ के रूप में भी, टीचर के रूप में भी, डॉक्टर के रूप में भी, बेटे के रूप में भी, भाई बहन के रूप में भी, साजन और सजनी के रूप में भी, आप किसी भी रिश्ते से मुझे एडॉप्ट कर सकते हो। मैं हर रिश्ते से आपका कल्याण करूंगा, हर रिश्ते से मैं आपको श्रेष्ठ मार्गदर्शन दूंगा, हर एक रास्ते से मैं तुम्हें श्रेष्ठ बनाऊंगा। ये भी साथ में याद रखना है, मैंने हर रिश्ते से गाइड करना है और मेरे डायरेक्शन पर आपको चलना है, आपने कहना मानना है, क्योंकि आपको बदलना है, मुझे नहीं बदलना। मैंने तुम्हारा कोई कहना नहीं मानना, ये ख्वाब में भी नहीं सोचना कि मैं तुम्हारा कहना मानूंगा। तुम्हें मुझसे प्यार है, तुम्हें मुझसे जरूरत है, तुम्हें मुझसे पाना है, मुझे नहीं पाना। जिसे पाना है उसे कहना मानना पड़ेगा। वो हम आत्माओं का एडॉप्टेड फादर है। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर व्हाट्सएप करें। ओम शांति।